दोस्तों भारत के दिग्गज स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। हरभजन सिंह ने साल 1998 में अपना डेब्यू किया था और अब 23 साल के बाद उन्होंने क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कहने का फैसला ले लिया। महज 17 साल की उम्र में हरभजन सिंह ने अपने क्रिकेट की शुरुआत की थी और आज वह 41 साल के हो चुके हैं। हरभजन सिंह ने साल 1998 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मुकाबले के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की। इसके बाद उसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया। हरभजन सिंह ने कहा कि पिछले कुछ समय से वह यह घोषणा करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। यूट्यूब चैनल पर खास वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा, मैं आज क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास ले रहा हूँ। मैं जहनी तौर पर तो काफी पहले ही रिटायरमेंट ले चुका था लेकिन आपके साथ इसे अब शेयर कर रहा हूँ। वैसे भी मैं काफी समय से एक्टिव क्रिकेट नहीं खेल रहा था। मैं काफी पहले ऐसा करना चाहता था लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ अपने कमिटमेंट के कारण मैं चाहता था कि इस साल उनके साथ ही रहूं। हर किसी की तरह मैं भी इंडिया जर्सी में टीम को अलविदा करना चाहता था लेकिन तकदीर को शायद कुछ और मंजूर था। मैं जिस टीम के साथ भी खेला हूं, मैंने हमेशा कोशिश की कि वह हमेशा टॉप पर रहे। हरभजन ने अपना आखिरी मुकाबला साल 2016 में खेला था। पिछले 5 सालों से वह टीम से बाहर चल रहे थे। दोस्तों टीम इंडिया को 2 बार वर्ल्ड कप जिताने वाले इस स्टार स्पिनर को उन्हें पंजाब पुलिस ने करीब 10 साल पहले डीएसपी पद ऑफर किया था, हालांकि उन्होंने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। वही हाल ही में उनकी तस्वीर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ वायरल हुई थी। ऐसी खबरें हैं कि हरभजन पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और अपनी नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं।